अगर आप BTL या बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन के बारे में सोच रहे हैं, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोच रहे हैं, या आप BTL करा चुके हैं और किसी भी वजह से अब आप दोबारा बच्चा चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि BTL के बाद आप दोबारा बच्चा पैदा करने की सलाहियत कैसे हासिल कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जो दो ऑप्शंस हैं IVF एंड रिकैनलाइजेशन, उसके आपको हम अच्छे और बुरे असरात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में गायनी OPD की इंचार्ज के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, और इसके साथ साथ आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट इन खैरुल बशर हॉस्पिटल जौहर टाउन इन माई इवनिंग प्राइवेट क्लिनिक। आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है जो BTL के ऑपरेशन के बाद किसी भी वजह से बच्चे की दोबारा ख्वाहिश करते हैं। तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि BTL क्या है, और BTL हो जाने के बाद प्रेगनेंसी का अमल किस तरह से किया जा सकता है, कौन सा बेस्ट तरीका है कि दोबारा से बच्चा पैदा किया जा सके। तो हम बात करेंगे BTL के बारे में। BTL एक सर्जिकल परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें आपका डॉक्टर आपकी मर्जी से, आपके कंसेंट से आपकी ट्यूब्स को लाइगेट करता है, टाई करता है, कट करता है, बर्न करता है, या बाज़ोकात क्लिप्स भी लगा देता है, और इस तरीके में स्पर्म्स और ओवोसाइट का जो मिलाप ट्यूब्स में होता है उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन का अमल ख़त्म हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये वो अमल है जो फैमिलीज कराती हैं उन ख़वातीन में जब वो ये सोचती हैं कि हमारी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है, हमें और बच्चे पैदा नहीं करने। लेकिन ये बहुत सोच समझ के करने का फैसला होता है, क्योंकि इसके बाद बाज़ोकात साइकोलॉजिकली रिग्रेट्स में फीमेल्स चली जाती हैं ड्यू टू सम रीजंस। वो कोई भी वजह हो सकती है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल चाइल्ड लॉस हो सकता है, सेकंड मैरिज हो सकती है, कि इस प्रोसेस के बाद खातून में ये ख्वाहिश का पैदा होना कि उसे दोबारा से बच्चा पैदा करना है। तो आपको हम आज यही होप देंगे कि अगर ऐसा होता भी है तो ये मुमकिन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। इसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में हम रिकैनलाइजेशन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब्स करते हैं, और नॉन सर्जिकल में वन एंड ओनली प्रोसेस IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले सर्जिकल प्रोसीजर पर आते हैं तो वो रिकैनलाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब्स है। उसके लिए दोबारा से एक मेजर सर्जरी होती है, लेप्रोटमी के जरिए ओपन किया जाता है और ट्यूब्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, एनास्टोमोज किया जाता है, ताकि ओवोसाइट और स्पर्म के मिलाप की जगह को कनेक्ट कर दिया जाए और फर्टिलाइजेशन का अमल हो सके। ये एक मेजर सर्जरी है और इसकी मॉर्बिडिटी भी है, सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा नहीं है, और दूसरा ये कि इसमें जो आपको साइड इफेक्ट मिलता है कि इमीडिएट प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई नहीं कर सकते। आफ्टर सर्जरी आपको 6 to 8 वीक्स के रेस्ट की ज़रूरत होती है, और कम से कम 1 to 2 साल इस प्रोसेस, इस सर्जरी के होने के बाद प्रेगनेंसी के प्रोसेस में लग जाता है। इस तमाम सर्जिकल प्रोसीजर के बावजूद, इस तमाम आप ट्रॉमा के बावजूद सक्सेस रेट के बारे में अगर बात करें तो बहुत कम है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के बारे में, तो यही प्रोसेस जो ओवोसाइट और स्पर्म्स के मिलाप का है, इसे हम ट्यूब से लेकर लैब में चले जाते हैं। लेबॉरेटरी में ओवोसाइट और स्पर्म्स का मिलाप होता है, फर्टिलाइजेशन का अमल किया जाता है, और उसके बाद 5 to 7 डेज के बाद जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो को खातून की माँ की यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका सक्सेस रेट 50% है, सक्सेस रेट हाई है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू रिकैनलाइजेशन सर्जरी। वो कम पैसों में भी हो जाती है, मेजर सर्जरी
है, लेकिन IVF का प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई मॉर्बिडिटी नहीं है और इमीडिएट प्रेगनेंसी हो जाती है। वेन एवर द कपल प्लान्स तो आप इस प्रोसेस पे जाएं और प्रेगनेंसी हो जाती है। सिंगल सीटिंग प्रोसेस है, आइदर इट विल बी सक्सेसफुल और फेल्ड। इसके कंपैरिजन में अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर पर जाते हैं, रीकैनलाइजेशन पर, तो अगर फर्टिलिटी अवेल हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो बच्चे की डिलीवरी के बाद दोबारा से खातून को कॉन्ट्रासेप्शन प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब ट्यूब्स ओपन हो चुकी हैं तो दोबारा भी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उन्हें दोबारा से कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत होगी। इसके कंपैरिजन में अगर हम IVF पर जाएं तो वहाँ इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक सिंगल प्रोसेस है और वहाँ उसके बाद दोबारा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। तो टेक होम मैसेज ये है कि BTL का ऑपरेशन बहुत सालों से होता आ रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट मेरा मैसेज ये है कि जब भी आप ये फैसला करें, बहुत सोच समझ कर कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके माइंड में कोई एक होप भी है कि आपको एक बच्चा और चाहिए, तो आप प्लीज़ परमानेंट सर्जिकल प्रोसीजर पर मत जाइए। आप कोई भी दूसरा रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकते हैं, लाइक IUCD कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, जिससे आप 2 से 10 साल तक की प्रेगनेंसी के पीरियड को अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आपने फैसला किया है BTL का, तो ज़रूर अपने हस्बैंड से मशवरा करें, खुद भी आप एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि इसका रिवर्सल मुश्किल होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपने BTL का डिसीजन लेना है, तो मेरी एडवाइस है कि आप प्लीज़ ये देखिए कि आपके छोटे बच्चे की उम्र कम अज़ कम 5 साल होनी चाहिए और आपकी अपनी उम्र 35 साल। इससे पहले BTL या ट्यूबल लाइगेशन का फैसला प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि किसी भी वजह से आपके माइंड में ये आ सकता है कि मुझे एक बच्चा और लेना है। तो इस प्रोसेस में IVF पर अगर आप जाते हैं, आपको कॉस्टली बहुत है, और अगर आप रीकैनलाइजेशन पे जाते हैं तो मेजर सर्जरी के साथ साथ ये इतना आसान नहीं है, इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर अपने किसी खास केस के सिलसिले में आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ marham.pk पर आप अपनी ऑनलाइन एज वेल एज इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फी अमान अल्लाह। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।